हम अब रोहतांग क्रॉस करने वाले हैं कि नीचे फिर केलांग के लिए रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। पड़ने के साथ में ऐसा होता है कि ज़मीन बैठ जाती है, जिसके वजह से रोड भी बैठ जाते हैं, गड्ढे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो इन रोडों पे हर साल ही मेंटेनेंस का वर्क होता है, बट बर्फ़ पड़ने के बाद ये कदम ख़राब ही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही चिकनी है तो पानी के बाद टिकती नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है, वो है पॉल्यूशन का प्रूफ। बर्फ के ऊपर मतलब इन एरिया में यहाँ पे तो मिट्टी है ही नहीं रोड पे, जब पॉल्यूशन इतना हो चुका है कि ये आके सिर्फ पहाड़ों पे ही गिरता है। तो बोलते हैं कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा, ये साइंटिफिक लॉजिक है। तो ये गर्म हवा उड़ती है और ठंडे होके पहाड़ों पे जाके सारा कचरा फेंक देती है। यहाँ से जो सामने बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी मिट्टी की उस बर्फ के ऊपर मिट्टी की परत दिखाई दे रही है, यहीं से ही दूर से दिखाई दे रही है, तो वहाँ जाके तो ज़्यादा ही दिखेगी, क्लीन बर्फ नहीं है। क्लीन बर्फ आपको दिसंबर जनवरी फरवरी में मिलेगी, अभी तो ऐसे ही पॉल्यूशन भी वैसे गर्मियों में बहुत हो जाता है। अभी थोड़ा फ्यूल का भी बचत करना होगा, न्यूट्रल ही चल के फायदा है थोड़ी देर, जब तक इतनी वैसे भी ठंडी इतनी बहुत है कि पुलों की स्टार्ट तो यहीं से हो गई है, जो बोलते हैं पागल नाले, यहाँ तो पहले से ही जब तक बर्फ कंप्लीट पूरी तरीके से गल पिघल नहीं जाती तब तक पानी मिलता ही रहता है, आगे कम बर्फ होती है। रोहतांग रोहतांग ग्लेशियर है तो करके यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, आगे तो मुझे लगता नहीं चांसेस होंगे। चलो ले चलो ले दा कॉलेज, सारी जगह ऐसा रोड हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं है।
ग्लव्स की जरूरत भी है, पड़ेगी, ठंड है अभी। और हेलमेट तो चाहिए। ये क्या हो रहा है? व्हाट आर यू डूइंग?
जा रहा हूँ, कोई साथ में मिल जाता यहाँ पे जाने वाला। अभी दो तो मिले थे नीचे गार्डनर्स, बट उनकी स्पीड काफ़ी स्लो, उनके चक्कर में था मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। मुझे कोई ऐसा चीज़ जो जिसकी स्पीड मेरे थोड़े साथ में हो। इतनी ठंडी हवा है कि बोल नहीं सकता। जैसे जैसे बढ़ते हैं एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, काफ़ी अच्छा फील आने लगता है अंदर से, अमेजिंग। जाम भी नहीं मिला है अभी, इधर मिलेगा रोहतक के पास थोड़ा सा, बाकी तो रोड एकदम ठगास। पहले मेरा सरजू का प्लान था रुकने का, बट अभी मुझे लग रहा है कि मुझे केलांग में ही रुकना पड़ेगा। साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, नाक भी बहने लगी है अभी।
भाई क्या कर रहा है? अरे लगता साइड यहाँ कहाँ गुजरा है, दिमाग खराब है। अकेले ही हो? सांस फूल चुकी है मेरी बुरे हाल से, ये तो बहुत बड़ा टेस्ट था मेरा। भाई भेड़ों के साथ कहाँ बस गया।
आसमान से टपका पेड़ पे लटका वो साग हो गया, पेड़ों से तो निकल गया, यहाँ कीचड़ में क्या होगा भाई मेरा। आज पता नहीं लैगर्ड मेरे बहुत लग रहे हैं, दो तीन भेड़ों से निकलती बार ही ज्यादा लगे, दर्द काफी हो रही, तो शायद मुझे पहले की लगी है इस पे। तो भगवान भेड़े ना मिले दोबारा। बाइकें बाइक्स वगैरह तो यहाँ लाना कोई फायदा नहीं है, एक बार जब गए वापिस आए तो पूरी बाइक हिल जाएगी, एक पुर्जा हिल जाएगा उसका। रॉयल एनफील्ड में इतने एक्स्ट्रा चीजें लगी ही नहीं होती कि वो हिले, इसमें पूरा ही लोहा लगा होता है, तो इसमें सिर्फ इंजन सर्विस ही करवानी होती है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा काम नहीं होता उतना। उसके बाद दोबारा से वही सेम टू सेम थोड़ा सा काम करवाने के बाद हिमालयन मेरे को ज्यादा बेटर लग रही है, इस रोड इन रोड की हिमालयन ज्यादा बेटर रहेगी, बाकी उनकी छोटी नहीं सकता, बट हिमालयन के लिए भी आदमी थोड़ा लंबा होना चाहिए, उसकी हाइट वैसे ही पहले बहुत है। इन रोडों पे अगर आपका पैर नहीं पहुंचेगा तो दिक्कत हो जाएगी, अब मेरे लिए तो दिक्कत बड़ी है, मेरे पैर नहीं पहुंच पाते उसमें, क्योंकि जब आपके पास सामान वगैरह होता है और ऐसी जैसे बेड़े वगैरह आ गई या कुछ और कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पैर लगाने की जरूरत रहती ही रहती है, और वो भी मतलब पैर के सहारे ही निकलना पड़ता है जी, अगर बाइक ऊंची हो और पहुंचे ना तो दिक्कत हो। हाँ फाइनली ये देखिए नीचे ये रोड काजा के लिए जा रहा है, सिग्नल मेरे पास ना यहाँ पे जियो का है ना एयरटेल का है ना आईडी का, बीएसएनएल मैंने रखी नहीं हुई, वैसे बीएसएनएल का बोलते हैं कि बीएसएनएल का यहाँ पे ज़्यादा रहता है, बीएसएनएल की मैंने मेरे पास लेह की अलग से जो सिम रहती है वो है, बाहर की सिम लेह में नहीं चलती, तो तब तक मेरा एयरटेल से ही गुजारा हो जाएगा, फिर आगे उसके बाद जहाँ पे मुझे मेरे को वैसे ही बहुत कैपेसिटी है इतने इन रोडों पे लॉन्ग टर्म ड्राइव करने की, तो मैं लॉन्ग टर्म ही करूँगा, फिर कहीं आगे जाके रेस्ट करूँगा, तो चलते ही जाना है। बंदे भी मेरे को लग रहा है कहीं लेह तक जा रहे हैं शायद, लेह और उधर तो उन्होंने फ्यूल लेके जाना था, इधर तक ही हैं जिस पर सर जो तक
रोहतांग सेम डे रिटर्न नहीं कर सकते बाइक में, एक नाइट स्टे आगे करना पड़ता है। तो मैं भी उसी लिए रुके हूँ, कहीं करके आया हो या करेंगे आगे। अभी नीचे नीचे उतरता जा रहा हूँ तो ठंड कम होती जा रही है, उतनी नहीं है जितनी की ऊपर रोहतांग में थी। ओ, 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 वही बात दोबारा से, सीढ़ियाँ। रोड गंदा हो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाती है बाइक, पर जब रोडों पे ये सीढ़ियाँ बनी होती हैं ये सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती हैं, और इनसे ही ज़्यादा बैक पेन होती है। अभी मेरे को लग रहा है ये कैमरा बंद ही कर देता हूँ, इससे फायदा नहीं है आपको देखने का। ये देख सकते हैं आप, यहाँ रोहतांग खत्म हो रहा है, नीचे लास्ट में पहुंच गए, नज़ारा देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, रोड भी अच्छा बना हुआ, मतलब एक टावर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, BSNL का या एयरटेल में से कोई एक का हो सकता है। एयरटेल की तो आजकल यहाँ पे सर्विसेज ही बहुत ख़राब हो चुकी है, कॉल नहीं लगती ढंग से। देखिए आगे बस कैसे निकल रही है, सबसे जो खतरनाक ड्राइविंग है HRTC वालों की है, मैं पीछे ही रोक दूंगा, आगे जाऊंगा नहीं, इसको निकलने देना अभी। तो पागल नाले से भी खराब नाले हैं यहाँ पे, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, नीचे पहाड़, नीचे खाई, कहावत है ना वो, क्या है कहावत है वो, आगे क्या, आगे कुआं पीछे खाई, वो वाला हिसाब है, आगे कुआं नीचे खाई भाई। एपल्ली साइड से
भाई मेरी तो लगी है डांस करने, इनकी वाली तो करने, क्योंकि मेरा सिंगल बेड है, इनका डबल बेड है, इनका डबल बेड है और मेरा सिंगल बेड है, उल्टा बोलिए।
केलोंग वाला रोड ही है।
हाय फ्रेंड्स, हम अभी केलोंग से थोड़े से आगे हैं। अभी ले के लिए निकल रहे हैं। आज नाइट को सरचू में स्टे करेंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी ले के लिए निकलना है तो चलते हैं अभी।